वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की एस बर्ड्स अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं ब्रीडिंग फार्मूले के बारे में और ब्रीडिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जो ही जैसे कि मेरे पास रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन है, ठीक है, तो यकीनन आप सबके पास जो है वो बहुत दूसरे बर्ड्स भी होंगे जिन्होंने लव बर्ड्स रखे हुए हैं, बजेज हैं, फिंचेस हैं, कैन्योर फैमिली है। इसके अलावा जो है मजीद एक्जॉटिक बर्ड्स हैं और छोटे बर्ड्स भी हैं, ठीक है। तो छोटे बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन थोड़ा सा अलग होता है, 12 महीने रहता है, क्योंकि हम एक आध महीना जो है वो हंडिया बॉक्स निकाल देते हैं उनको रेस्ट देने के लिए, ठीक है। मगर चूंकि एक्जॉटिक बर्ड्स का जो है आप समझे कि 6 महीना सीजन रहता है और 6 महीना सीजन ऑफ रहता है, ठीक है। तो इनका जो है जब वो पीक सीज़न आता है हम उस टाइम पे ब्रीडिंग फार्मूला देते हैं। मगर चूंकि अभी तमाम बर्ड्स मोल्ड कर रहे हैं और बहुत सारे बर्ड्स जो है वो मोल्ड कंप्लीट अपना करना शुरू कर दिया, जिसमें अगर हम लव बर्ड के बारे में बात करें तो यकीनन लव बर्ड का भी ये मोल्ड का सीज़न चल रहा था। अभी अभी आपका बर्ड जो है वो मोल्ड से फारिग हुआ है और आप फौरन ही उसको बॉक्स और हंडिया देना शुरू कर देते हैं, इवन कि आप उसको फार्मूला तक देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे चैनल्स भी ऐसे हैं जो कि अभी से ब्रीडिंग फार्मूला भी बता रहे हैं कि आप अपने बर्ड्स को ये फार्मूला दें, वो फार्मूला दें, उनके अपने खुद के प्रोडक्ट हैं, तो यकीनन वो तो इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। मगर आप ये चीज़ देखें कि देखिए आप जो फार्मूला दे रहे हैं उससे आपका बर्ड ही ख़राब होगा, ठीक है। जहाँ वो 8-10 साल ब्रीड हम उससे ले सकते थे, हम उसका टाइम पीरियड जो है वो कम कर रहे हैं कि उसको हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है। मेडिसिन जो है वो बर्ड्स को पीक सीज़न में दी जाती है, जब अगर आपका बर्ड्स किसी भी तरीके से ब्रीड पे नहीं लगता, हीट पर नहीं आता, तमाम हम नेचुरल चीज़ें उसको दे चुके होते हैं, उसके बावजूद जो है आपके बर्ड्स में कोई एक्टिविटी हमें महसूस नहीं होती, तो उस टाइम पर हम देते हैं फार्मूला। अब अगर पीक सीज़न के बारे में बात करें तो देखें पीक सीज़न जो है तमाम बर्ड्स का जनवरी टू फरवरी है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर सर्दी उरूज पर होती है। इस टाइम पर वो बर्ड्स भी ब्रीड कर जाते हैं जो कि ब्रीड पर नहीं लगते या न्यू अडल्ट होते हैं, ठीक है, तो वो भी इस टाइम पर हीट पर आते हैं और ब्रीड कर देते हैं। तो इस टाइम पे जनवरी टू फरवरी बेस्ट मंथ होते हैं ब्रीडिंग फार्मूला देने के, जिसमें लव बर्ड्स भी हो गए, बजेस भी हो गई, तमाम बर्ड्स को जो है स्टैम्प भी दिया जाता है। मगर आप कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को जो है आप नेचुरल ब्रीड के ऊपर रखें, ठीक है। प्रोडक्ट देने वाले का कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, जो चैनल जिनके हैं उनको अपने व्यूज़ चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो हर एक चीज़ इस तरह की आपको बताएंगे। मगर ये चीज़ आपके अंदर जो कॉमन सेंस होना चाहिए, आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है, हमारा बर्ड बिल्कुल अभी 10-15 दिन पहले ही मोल्ड से फारिग हुआ है और हम उसको इतनी गर्म चीज़ें, इतनी मेडिसिन, इतनी सब कुछ देना शुरू कर देते हैं कि बस वो ब्रीड कर दे। जहाँ वो 10 साल ब्रीड करने का टाइम पीरियड होता है, आप उसको कम जो है वो उम्र में लेकर आ जाते हैं, यानी 3-4 से 5 साल फिर आप उससे ब्रीड ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी, देखिए हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। मैं कोई ऐसा फार्मूला आपको नहीं बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि जो है मैं आपको कोई मेडिसिन बताऊँ। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप नेचुरल चीज़ों में हर वो चीज़ दें जो कि आपके बर्ड जिससे ब्रीड पर आ सकता है, मगर कोई गर्म चीज़ आप नहीं देंगे, यहाँ तक कि अभी हम बर्ड को एग फूड तक नहीं दे सकते, ठीक है। हम उसको अंडा, बॉयल अंडा भी नहीं दे सकते, तो ब्रीडिंग फार्मूला तो बहुत दूर की बात है कि आपका बर्ड तभी अभी मोल से फारिग हुआ है, आप उसको ब्रीडिंग फार्मूला दे रहे हैं जिसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो केमिकल्स मौजूद हैं। मगर चूंकि अगर आपको अपने बर्ड को जल्दी ब्रीड पर लेकर आना है, तो आप उसको बिल्कुल मल्टी वाइटामिन की मेडिसिन दें, कैल्शियम प्रोवाइड करें। कैल्शियम जो है वो फीमेल के लिए बेइंतहा अच्छा होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है, वो आप बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि अंडे कैल्शियम से ही बनते हैं। फीमेल जो है वो जब एग लिंग करती है, उसकी क्वांटिटी जो बढ़ती है वो कैल्शियम से ही बढ़ती है, ठीक है। अब मल्टी वाइटामिन्स की बात करें तो मल्टी वाइटामिन्स इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका बर्ड्स अभी अभी जो है मोल्ड से फारिग हुआ है, ठीक है, और ब्रीड के लिए मल्टी वाइटामिन्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बर्ड्स में मल्टी वाइटामिन्स की कमी होगी तो आपका बर्ड जो है वो ब्रीड पर नहीं लगेगा, भले आप उसको कितने ही फार्मूले क्यों ना दे दें, अगर उसको वाइटामिन्स की कमी होगी। तो ये दो चीज़ें जो हैं आपने अपने बर्ड्स से अगर ब्रीड लेनी है तो आप बिल्कुल अगस्त से देना शुरू कर दें, जिसमें कैल्शियम भी हैं और मल्टी वाइटामिन्स भी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की बीन्स दे सकते हैं, काला चना दे सकते हैं, ठीक है, जो छोटे बर्ड्स हैं वो भी काला चना खा लेते हैं, या उसको थोड़ा सा दरदरा कर, ठीक है, उसको थोड़ा सा कूट कर भी दे सकते हैं। हर तरह की सब्ज़ियाँ अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं बर्ड्स की ब्रीड के लिए। अच्छा, मैं आपको ये जो है बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कोई भी मेडिसिन, ठीक है। जिनके मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप लव बर्ड वगैरह का कोई फार्मूला बता दें, तो आप लोगों के लिए फार्मूला मैं सिर्फ यही बताऊँगी कि आप नेचुरल बर्ड्स को की डाइट रखें, जिसमें मैंने आपको बताया कि मल्टी वाइटामिन्स की आप मेडिसिन दे सकते हैं, कैल्शियम की आप मेडिसिन दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई ब्रीड का फार्मूला अपने बर्ड्स को नहीं दे सकते, एग फूड नहीं दे सकते, कोई गर्म चीज़ आप अपने बर्ड्स को नहीं दे सकते, ठीक है। आप अगर देंगे तो आपका बर्ड जो है वो खुद ही मज़ीद स्ट्रेस में चला जाएगा,
जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर तरीका ये है कि अगर आपको लव बर्ड वगैरह की ब्रीड लेनी है तो उसको बॉक्स लगा कर रखें, हंडिया आप लगा दें, नेचुरल चीज़ें दें, सॉफ्ट फूड अच्छा दें। जितना अच्छा आप सॉफ्ट फूड देंगे अपने बर्ड्स को डेली प्रोवाइड करेंगे, आपका बर्ड जो है खुद ब खुद नेचुरल तरीके से वो ब्रीड की तरफ आएगा। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप सही चीज़ को देखें, सही चीज़ को समझें। नुकसान आपके बर्ड्स का होगा, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, बर्ड्स आपके हैं, ठीक है। ब्रीड आपने लेनी है तो आपने इस चीज़ को सोचना है कि आपने अपने बर्ड्स से जो है वो लॉन्ग टाइम ब्रीड लेनी है या शॉर्ट टाइम ब्रीड लेनी है, बर्ड्स को फ़ायदा देकर आपने ब्रीड लेनी है या बर्ड्स से नुकसान आपने हासिल करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो यही थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।